और मेरे भाई ये क्या हाल चाल है। आज का ये तुम सेटअप देख रहे हो कि हाँ थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश की है फिलहाल जिस काम के लिए तुम इस वीडियो पे आए हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुम्हारे स्किन केयर टिप्स के बारे में। अब ये जो वीडियो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाले। जो पहला है वो आ जाता है तुम्हारे फेस एक्ने से रिलेटेड एंड जो सेकेंड है वो आ जाता है टैनिंग से रिलेटेड। अगर तुम लोग ये वीडियो को पूरा देखने वाले हो तो तुम लोग फेस एक्ने से छुटकारा पा सकते हो और तो और टैनिंग से छुटकारा पा सकते हो काफ़ी ही आराम से। तो कौन कौन सी टिप्स हैं आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों से बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं वो आ जाती है तुम्हारे फेस एक्ने से। अब यार फेस पे फेस एक्ने सबसे ज्यादा क्यों हो जाते हैं? कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि तुम लोग ध्यान नहीं देते, कुछ मिस्टेक्स जो कि तुम करते हो जिसकी वजह से तुम्हारे फेस पे भाई एक्ने काफी ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स है मैं तुम लोगों को बताया था। यहां पे जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो आ जाता है तुम्हारा टॉवल। अब यार तुम्हारा टॉवल जो होगा तुम लोग क्या यार मैंने देखा कुछ कुछ लोग होते हैं ना भाई साला दो तीन हफ्ते में या महीने में एक बार ही धुलता होगा भाई उनका और फेस पे उनके एक्ने इतने ज्यादा भरे रहते हैं। तो तुम लोग को ऐसा नहीं करना है, हफ्ते में एक बार तो टॉवल धुलवा ही लेना है। यार मैं हफ्ते में दो बार धुलवा लेता हूँ, मैं नहीं मानता। अगर तुम लोग रोज धो लेते हो तो तुम्हारे लिए काफी अच्छी बात है। कुछ लोग क्या करते हैं पूरी बॉडी उसी से पोंछते हैं, प्राइवेट पार्ट भी उसी से पोंछते हैं, मुंह भी उसी से रगड़ लेते हैं। अगर तुम लोग के पास भाई काफी ज्यादा पैसे फट रहे तो भाई तुम क्या कर सकते हो ना फेस के लिए एक अलग सा छोटा सा टॉवल ले सकते हो जो कि सिर्फ फेस के लिए ही रहे और उसे तुम रोज रोज वॉश कर सको। क्योंकि यार अगर तुम बॉडी वाला जो टॉवल उसको फेस पे भी यूज करोगे ना तो अगर तुम्हारे बॉडी पे कोई भी रिएक्शन वगैरह हो रहे हैं कोई भी हो रहा है उसको तुम वापस फेस पे लेके जाओगे तो वही रिएक्शन फेस पे भी अप्लाई होने लग जाएंगे, फिर एक्ने वगैरह की जो समस्या है फेस पे बढ़ सकती है। तो इसलिए तुम लोग को टॉवल रोज रोज मतलब हफ्ते में दो बार तो वॉश कर ही लेना पड़ेगा। वैसे तो रोज करना चाहिए या फेस के लिए एक अलग से टॉवल रखना चाहिए, बट तुम लोग उतना नहीं कर पाओगे मुझे पता है कि मैं खुद भी नहीं करता यार। तो इसीलिए हफ्ते में दो बार तो तुम्हें टॉवल वॉश कर ही लेना चाहिए। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आ जाता है पिलो कवर। अब जिस पिलो पे तुम सोते हो तुम लोगों ने देखा होगा उसी पे तुम लोग अपना सर रख के सोते हो और फिर उसी से रात को होता है तो सर की जगह मुंह रख के सोते होगे। उसके बाद क्या होता है ना उसमें काफी सारे गंदे बैक्टीरियाज रहते हैं और उसी पे क्या होता है तुम मुंह रख के सोते हो काफी देर तक तो उससे क्या होगा तुम्हारे जितने बैक्टीरियाज है ना पिलो में वो तुम्हारे मुंह पे आ सकते हैं, फिर एक्ने की समस्या बढ़ सकती है। तो अगर तुम चाहते हो एक्ने की समस्या ना बढ़े तो तुम लोगों ने अपना पिलो कवर जो है उसको बार बार चेंज करते रहना होगा। हर दो बार चेंज तो कर ही सकते हो अगर तुम्हारे पिंपल्स काफी ज्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है वो आ जाता है तुम्हारा मोबाइल केस। अब यार मोबाइल केस को भी ना सैनिटाइज करना क्लीन रखना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि यार कहीं से भी तुम आते हो फोन पे हाथ मारते हो, कहीं से भी आते हो फोन को हाथ मारते हो, दिन में 500 बार तुम फोन को छूते हो जगह जगह हाथ लगा के, ज्यादा गंदी बैक्टीरियाज होती है ना और उसी को तुम बार बार अपने फेस पे लगाओगे तो उससे क्या होगा तुम्हारे फेस पे ना वो जो सारी बैक्टीरियाज है ना वो वापस आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आना स्टार्ट हो जाएंगे तो एक्ने होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए तुम लोगों ने अपने फोन का केस है ना बार बार करते रहना चाहिए, नहीं तो फोन केस क्लीन करने के लिए स्प्रे टाइप का था तुम वो मार सकते हो हर बार, जिससे कि क्या होगा ना उसमें जर्म्स वगैरह बैक्टीरियाज वगैरह वो मरते रहेंगे जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सही रह सकता है। मैं तो बताऊँ सैनिटाइजर वगैरह मार लेता हूँ काफी सही रहता है मेरे लिए, बट हाँ तुम लोग केस स्प्रे मार सकते हो जो कि अलग से आता है काफी ज्यादा सही रहता है, तुम लोग वो मारोगे तो काफी ज्यादा सही रहेगा। डिस्प्ले वगैरह पे हो सकता है, डिस्प्ले पे सैनिटाइजर मत मारना नहीं तो यार तुम्हारा जो डिस्प्ले ना वो धुंधला होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब मेरे को तो ये लगता है, मैंने इसलिए तुम लोगों को पर्सनल ओपिनियन से बता दिया ये। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है अब हम बातें करते हैं फेस टैन से रिलेटेड। अब तुम लोगों को तो पता ही होगा भाई गर्मियां आ चुकी हैं एंड यार कुछ लोग धूप में जाते होंगे तो फेस टैन इतना ज्यादा हो जाता होगा भैया लग जाते होंगे तुम्हारे, बट कोई नहीं खैर मैं हूं ना। तो मैं आज की इस वीडियो में तुम लोगों को यही बताने वाला हूँ फेस पर टैन हो रहा है तो उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेस पर टैन रिमूव करने के लिए काफी सारे प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं, मास्क आते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअली मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई फेस मास्क के ऊपर जो कि टैन रिमूव करने में मदद कर सकता है, तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो वहां से जाकर वो वाली वीडियो आराम से वॉच कर सकोगे। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आ जाता है सनस्क्रीन। अगर तुम सनस्क्रीन लगा के जा रहे हो तो भाई तुम लोग ना फेस टैन से छुटकारा पा सकते हो, तो सनस्क्रीन भी तुम लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट है वो आ जाता है फेस रेमेडी। फेस रेमेडी भाई काफी सारे लोग ना प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, घर वाले मना करते हैं हाँ बड़ा अंग्रेज बनेगा तू प्रोडक्ट लगा रहा है गोरा हो जाएगा, कुछ लोग ना मन में ये मेंटालिटी रहती है। तुम लोग क्या कर सकते हो रेमेडीज वगैरह जो होते हैं होममेड रेमेडी तुम वो अप्लाई कर सकते हो। अब उसमें क्या अप्लाई करना है तुम लोगों को, तो तुम ले सकते हो हनी एंड लेमन का पेस्ट बना के थोड़ा सा अपने फेस पे लगा लो एंड 10-15 मिनट ऐसे ही रहने के बाद तुम्हें क्या करना है वॉश कर लेना है। अब इसको वीक में 2-3 बार अप्लाई कर सकते हो, एक दिन छोड़ के एक दिन, ज्यादा हार्श भी नहीं होता ये, तुम लोग एक दिन छोड़ के एक दिन अप्लाई कर लोगे ना तो तुम्हारा जो टैन है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा, यानी कुछ ज्यादा बड़ा फंडा भी नहीं है रेमेडी का असर करेगा ये। लेकिन अगर तुम ज्यादा अच्छा ही असर देखना चाहते हो तो मैंने अपने चैनल पर और भी काफी सारी रेमेडीज बनाई हुई है, होममेड रेमेडीज बताई हुई है, तुम उनमें से कोई भी दे सकते हो काफी ज्यादा अच्छी तुम्हारे ऊपर इफेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों बस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था एंड मैं आशा करता हूं तुम लोगों को मेरी वाली वीडियो पसंद नहीं होगी एंड वीडियो अच्छी लगी है तो यार तुम एक कमेंट तो कर ही सकते हो भाई वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी ऐसे वीडियो बनाते रहो, मतलब मोटिवेशन है ना अंदर से अलग ही लेवल का आता रहता है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो कर देना लाइक कमेंट शेयर एंड भाई ये सेटअप तुम लोग ऐसा लग रहा है वो तुम कमेंट करके जरूर बता ही सकते हो। एंड तब तक के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय।